हेलो एवरीवन। तो आज फिर से दिवाली स्पेशल बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इंस्टेंट जल्दी से तैयार हो जाने वाली है, कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली है। ना तो गैस पे इसको आपको पकाने की ज़रूरत है और ना ही इसमें मावा, घी और मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। फुल वॉच करिएगा, अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो पहली बार आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है पीनट बर्फी। तो पीनट बर्फी के लिए मैंने यहाँ पर पीनट को पहले से ही रोस्ट करके रख लिया था, और इस तरह से किसी भी या तो जो लोटा होता है उससे या फिर इस तरह से कटोरी से आप इसको इस तरह से दबाते हुए सारे जो छिलके हैं ना बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा टिप्स है आपके लिए। तो यहाँ पर सारे छिलके निकल गए, तो उनको फटकार के मैंने अलग कर लिया था, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पीनट्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है पीनट का, और इसे हम ले लेंगे बड़े से बाउल में। बाउल में लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो यहाँ पर मैंने शक्कर को पीस लिया था, 1/2 कप शक्कर पाउडर लिया है मैंने। यहाँ पर शुगर पाउडर लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ पीनट और शुगर पाउडर है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गुनगुना दूध। ये हल्का सा गुनगुना दूध है, और इस तरह से आप स्पून की मदद से इसमें आप थोड़ा थोड़ा दूध डालिएगा। ऐसे नहीं कि पूरा डाल लो और एकदम पतला हो जाएगा। तो एक एक टीस्पून आप इसमें दूध मिक्स करते जाइए, और आप देखते जाइए कि इसकी जो बाइंडिंग है ना वो अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही, अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस जहाँ पर आपका ये डो तैयार हो जाता है वहाँ पर दूध डालना बंद कर दीजिए। तो कम से कम इसमें 10 से 12 टीस्पून दूध लगा है। टीस्पून मतलब छोटा वाला स्पून होता है ना, वो टीस्पून वो लगा है, और देखिए अच्छे से बन गया है। तो बस इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इसका हम बनाएंगे बर्फी। आप चाहो तो सर्कल में बनाइए, आप चाहो तो राउंड में बनाइए। किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने निकाल लिया है प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद इसका हम अच्छे से डो तैयार कर लेते हैं। और डो तैयार करने के बाद इसको हम रख देंगे इस तरीके की, ये जो प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक सीट उस पर रख देंगे। या तो फिर आप है ना इसे इजीली घी लगा के या तेल लगा के बेल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तेल दिखा रही हूँ कि बिना इसमें हमने घी तेल डाले, ये देखिए कितना इसमें मतलब तेल छूटा है, जो पिनट का तेल है ना वो निकला है। तो आपको इसमें घी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये प्लास्टिक की सीट ली है, उसके ऊपर मैं इसको रख के और डबल फोल्ड करके इसको हम बेल लेंगे। और अगर आप डबल फोल्ड ना करेंगे तो भी बिल जाएगा, क्योंकि इसमें ऑयल जो है ना पिनट का बहुत ज़्यादा निकला है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको बेल लीजिए, जितना पतला आप इसको बेलना चाहे, लेकिन एक मतलब आधा इंच की जो मोटाई होती है ना वो परफेक्ट रहती है बर्फ़ी की। तो यहाँ पर हम इसकी ना गोल पिनट बर्फी बना रहे हैं। और आप चाहो तो जो काजू कतली का जो शेप होता है ना वो शेप भी दे सकते हैं। तो खाने में टेस्टी लगती है, साथ में हेल्दी रहती है। टेस्ट को और बढ़ाने के लिए आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, और या फिर काजू बादाम का जो पाउडर बना के हम ऐड करते हैं ना वो भी बहुत अच्छा रहता है। उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन पीनट का खुद का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं छोटी सी, मेरे पास ये सर्कल वाली शेप का जो डिब्बी थी ना वो थी, तो उसी से मैं इसका शेप कट कर रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, दिखने में जितनी अच्छी ना उतनी टेस्टी और हेल्दी भी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो अपने फ्रेंड्स वाले में शेयर कर दीजिएगा। दिवाली स्पेशल रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट से, ना तो पकाने की ज़रूरत है और कम समय में बन के तैयार हो जाती है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम गार्निश करते हैं। आप चाहो तो पिस्ता के कतरन करके उससे गार्निश कर सकते हैं, काजू बादाम से, या बादाम का एक पीस, जो एक बादाम होती है ना उसके 2 टुकड़े करके आप गार्निश कर सकते हो, या फिर आप जो चांदी वर्क होता है ना उससे भी आप इसे गार्निश कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो चांदी का वर्क है ना उसी से इसे गार्निश करूँगी, क्योंकि मेरे पास रखा था तो मैंने सोचा इसी से कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर से इसके शेप बने हैं, और बहुत ही ईजीली बन गए हैं, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें। तो यहाँ पर बस इस तरह से इसको लगा देते हैं, और लगा के यहाँ पर हमारी जो बर्फी है ना कुछ इस तरह से तैयार हुई है। तो आपको मेरी ये बर्फी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं इस तरह की रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।